हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप रेल कर्मचारी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो LHAP अवकाश होता है उसके बारे में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। LHAP को क्या हम अपने निजी कार्यों के लिए भी स्वीकृत करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। मैं हूं दीपेंद्र, आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल CP ज्ञान में। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट और यूनिक कॉन्टेंट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। अभी कुछ दिन पहले आपके WhatsApp, Facebook या सभी जगह ये एक लेटर जो आप पीछे देख पा रहे हैं, ये बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। यह लेटर भोपाल मंडल के द्वारा निकाला हुआ है, कार्मिक शाखा द्वारा, जिसमें इसमें श्री अविरल शर्मा जी के साइन है और इस पर लिखा है सब्जेक्ट अर्ध वेतन छुट्टी, यानी कि LHAP स्वीकृत करने के संबंध में। और इसमें एक संदर्भ में भी एक लेटर दिया गया है। उपरोक्त संदर्भ पत्र के अनुसार यह संज्ञान में आया है कि अर्ध वेतन छुट्टी का आवेदन देने पर कर्मचारियों को यह बताया जाता है कि केवल मेडिकल आधार पर ही यह छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस संबंध में निम्न अनुसार निर्देश दिए जाते हैं। भारतीय रेल स्थापना जिल्द फर्स्ट के पैरा 526 फर्स्ट बी के अनुसार अर्ध वेतन छुट्टी चिकित्सीय प्रमाण पत्र या निजी कार्यों के लिए मंजूर की जा सकती है। यानी कि जो LHAP अवकाश होता है, हम उस अवकाश को अपने निजी कार्यों के लिए भी स्वीकृत करा सकते हैं। यदि आप रेल कर्मचारी हैं तो आपको मालूम होना चाहिए हमें 3 प्रकार के सामान्यता अवकाश दिए जाते हैं। दिए तो कई प्रकार के जाते हैं, लेकिन सामान्यता प्रत्येक वर्ष मिलने वाले अवकाशों की संख्या ये है। आपको 10 CL, यानी जिसको हम आकस्मिक अवकाश भी बोलते हैं, यह हमें एक कैलेंडर वर्ष में 10 मिलती है। इसके बाद सवैतनिक अवकाश, जिसको हम LAP बोलते हैं, यह हमें एक साल में 30 और प्रत्येक छमाही में 15-15 हमारे खाते में क्रेडिट होती हैं। इसी प्रकार LHAP अर्धवैतनिक अवकाश, इसमें भी यह हमें एक साल में 20 मिलते हैं यह अवकाश, जो कि 6-6 महीने में 10-10 हमारे खाते में जुड़ते हैं। और हम इस वीडियो में जो चर्चा कर रहे हैं वो हम LHAP अवकाश के लिए चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कैजुअल लीव और LAP लीव बहुत ही आसानी से आपकी स्वीकृत होती है। अब चलते हैं हम इसके रूल्स के बारे में। इस लेटर में जो जिक्र किया गया है, आप देख पा रहे हैं, जो जिक्र किया गया है इसमें भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द फर्स्ट के पैरा 526, हम इसके पास चलते हैं, इस रूल्स को पढ़ते हैं कि इस रूल्स में क्या लिखा है, क्या यह लेटर सत्य है अथवा यह कोई फेक लेटर बनाया तो नहीं गया है। इसलिए हमें इस रूल्स को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये जो लेटर है भोपाल का, इसमें जो यहाँ पर भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द फर्स्ट के पैरा 526 के अनुसार, हम इसको गूगल पर जाकर सर्च करते हैं। इस पर गूगल पे गए और हमने ये लिखा भारतीय रेल स्थापना संहिता जिल्द 1 का पैरा 526 और इसको हम सर्च करते हैं। तो ये बहुत सारी यहाँ पर इसके बारे में कई सारी आपके पास अधिनियम और ये PDF आपके पास आ गए। इनमें से ही हम डाउनलोड करके देखेंगे। और ये देखिए, हमने एक डाउनलोड किया है अवकाश नियम, नियम नंबर 501 से लेके 557 तक ये नियम है। इसका नियम नंबर 526 हम पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो 526, 524, 500, ये 24 है, इसके बाद आगे ये है नियम नंबर 526, ये जो को आप देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये इतना यहाँ से यहाँ तक, ये सब नियम नंबर 526 ये यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। इसके बाद ये नियम नंबर 527 नीचे दिया गया है। तो इसमें ये लिखा है अर्ध औसत वेतन पर छुट्टी, यानी LHAP पर छुट्टी। यह छुट्टी रेलवे स्कूलों के कर्मचारी सहित सभी कर्मचारियों को दे है। ये छुट्टियां प्रत्येक आधे वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 10-10 की 2 किस्तों में अग्रिम रूप से जमा की जाएगी। अन्य अवकाश के साथ जोड़कर या बिना उसके अर्ध वेतन
अर्ध औसत वेतन अवकाश एक समय में अधिकतम 24 माह का लिया जा सकता है। इससे हमें ये चीज और पता लगती है कि अर्ध वेतन यानी कि सिक जो है हम 24 महीने से ज्यादा की नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद यह छुट्टी चिकित्सक प्रमाण पत्र पर यानी डॉक्टर के प्रमाण पत्र पर या निजी कार्य के लिए मंजूर की जा सकेगी। छुट्टी खाते में इसके संग्रहण की मात्रा असीमित है, यानी कि कहने का मतलब जो आपकी ये छुट्टी है चिकित्सीय प्रमाण पत्र पे भी लग सकती है और निजी कार्य के लिए भी मंजूर की जा सकती है। और इसमें जो हमारी एलएपी होती है उसमें एक लिमिट रहती है, 300-315 के ऊपर आपकी एलएपी एकत्रित नहीं हो सकती है। इसमें ऐसा नहीं है, आपकी कितनी भी सिक आपकी एकत्रित आपके खाता में होती रहेंगी। इसके बाद आप देखते हैं नया, इसको डाउनलोड करते हैं कि देखिए ये एक बुक है और इनके संकलनकर्ता प्राचार्य बसंत प्रवर कार्मिक अधिकारी हैं और यह बुक कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर से निकाली गई है 2017 में। तो इस बुक को भी मैंने पढ़ा, ये आप देख पा रहे हैं पूरी बुक है कार्मिक प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर की प्रस्तुति और ये सब इनका लिखा हुआ है स्थापना नियमों का सार संग्रह। यह अपने जो वहाँ पर कर्मचारी होते हैं उनको प्रशिक्षण देने के लिए इसी बुक का यूज करते हैं। इस बुक के हम पेज नंबर 105 पर जाते हैं, 105, 106 ये है, 105 ये है। तो इस पर भी आप देखिए जो भाषा वहां छुट्टी के लिए लिखी गई थी वही सेम भाषा का उपयोग यहां भी किया गया है कि यह छुट्टी चिकित्सक प्रमाण पत्र पर या निजी कार्य के लिए मंजूर की सकेगी। छुट्टी खाते में इसके संग्रहण की मात्रा असीमित है। तो मैंने आपको दोनों जगह ही इस चीज को लिखा हुआ, इस बात को पूरा लिखा हुआ प्रमाणित यह देख लिया है आपने अवकाश नियम में और इनकी जो बुक है दोनों में। इससे यह पता लगता है कि यह जो पेपर है लेटर है यह बिल्कुल सही है, फेक लेटर भी नहीं है। तो इस प्रकार हमने जाना कि इस लेटर में जो नियम नंबर 526 के बारे में बताया गया है वह एकदम सत्य है, हर तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी कई यूनिट ऐसे हैं जहां पर यह अवकाश निजी कार्यों के लिए नहीं दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा जाता है कि आप यदि आप चिकित्सीय प्रमाण पत्र या रेलवे हॉस्पिटल में भर्ती होते तभी यह आपको अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। आपके यूनिट में क्या है और आपका यह अवकाश क्यों स्वीकृत नहीं होता है यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसकी जानकारी मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। ऐसे ही लेटेस्ट और यूनिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।